स्टूडेंट, मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं एमएस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2018 में पूछा गया और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क में आया था स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट से। लेकिन अब मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं करवाई है, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट है वहां पर सारा बताऊंगी कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी सॉल्व। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन करना कैसे। सबसे पहले इसको क्वेश्चन है जो रीड आउट करते हैं। द थर्ड एंड फोर्थ लाइन इन द रोटेशनल गम स्पेक्ट्रम है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन
निकाल सकती थी अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता आर की वैल्यू निकाल लेती, लेकिन इसमें आर की वैल्यू आपको नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, कोई और फॉर्मूला लगाएंगे। तो और फॉर्मूला कौन सा होता है आपका, तो देखो यहाँ पे जो बी की वैल्यू होती है रोटेशनल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, एच अपॉन 8π² आई इंटू सी, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला बी का। ये है अभी देखो इसमें आई की वैल्यू क्या करेंगे हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है, अभी आई की जब वैल्यू इसमें पुट करी तो क्या बनता है आपका, बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8π² जब इसमें वैल्यू पुट करी तो म्यू आर स्क्वायर इंटू सी ये वैल्यू बनती है आपकी, समझ में आया। अभी हम इसमें क्या निकालना है, हमें आर निकालनी है तो क्या करेंगे, इस आर को इधर ले जाएंगे, इसको बी को इधर ले आएंगे। देखो ये वाला मैं रब कर रही हूं, तो देखो बी कितना आया था आपका 2 सेंटीमीटर इनवर्स था, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया मैंने, आर की वैल्यू निकाल ली आर स्क्वायर की, इसमें एच अपॉन 8π² म्यू बी इंटू सी, हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिंपल आर चाहिए तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट, लेकिन हमें बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें बी नहीं आ रहा है तो हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू पुट करने के बाद 8 × 2 कितना होता है 16 π² म्यू इंटू सी, इसकी जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें बोन लेंथ निकालनी है क्योंकि हमारे जो रोटेशनल कॉन्स्टेंट था उसकी वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका आंसर जो हमारा आ रहा है वो कितना आएगा, ये ऑप्शन है जो हमारा वो होगा करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी देखो आपको ये दिया क्या हुआ था, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम बोला था सीओ का, ठीक है, सीओ का बोला था इन्होंने रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम निकाल के दिखाओ, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो स्पेक्ट्रम निकाला वो ये बनता है। लेकिन अगर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे दे कि सिंपल अगर हमें पूछ लेते सिंपल रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम पूछ लेते सीओ ना पूछ के, तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या बनेगा, देखो स्पेक्ट्रम तो आपका उसका अलग बनता ही बनता है लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो चेंज हो जाता है, वो चेंज होके जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा इन ऑप्शन में से हम देखते हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर हमें सिंपल दे देते हैं रोटेशन स्पेक्ट्रम सिंपल वाला, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है हमारी कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कैसे है अभी इनमें जो डिफरेंस होता है वो कितना होगा, 4b का ना होके कितना होता है 2b का यस, कितना होता है 2b सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, जो एडजेसेंट लाइंस होती है उनमें जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है 2b का। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन में इसमें पूछा था सीओ का, सीओ रोटेशन रमन का, उसमें कितना था हमारा 4b का, लेकिन इसमें कितना है 2b का, ठीक है। अभी हमें क्या है, ये क्या है फर्स्ट लाइन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कितनी है फोर्थ लाइन, लेकिन हमें पूछी क्या है थर्ड और फोर्थ लाइन पूछी है, ठीक है, वो सेपरेटर किससे है 2b से, समझ में आया 2b से, और हमें कितना दिया होता है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। सिर्फ अगर क्वेश्चन में हमें सीओ ना देते पूरी कहानी चेंज हो जाती और इस और इन जो ऑप्शन में से जो हमारा आंसर है वो भी चेंज हो जाता, वो क्या बनेगा मैं बताती हूँ, ठीक है। एक भी ये अगर अभी इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर इनवर्स, अभी हमें इसमें बोन लेंथ निकालनी है तो मैंने आपको बता ही दिया था जो फॉर्मूला हमारा होगा आर का वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 8π² म्यू बी इंटू सी, ये वाला निकाला था। अब इसमें बी की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, जब इसमें 4 वैल्यू पुट करी 8 × 4 कितना होता है 32π² म्यू इंटू सी, ठीक है, ये वाला आ गया हमारा आंसर। अगर हमें क्वेश्चन में सीओ ना लिख के देखे तो हमें क्या बन जाता, वो सिंपल रोटेशन हमें स्पेक्ट्रम बनता, तो स्पेक्ट्रम इसका ये वाला बनता, ठीक है, और इसका ऑप्शन है ना ये आंसर ये आया था और इसका ऑप्शन है वो कौन सा बनता थर्ड, समझ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको चेंज करके भी वो दे सकते हैं लेकिन जो कॉन्सेप्ट रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो वही रहता है, समझ में आ गया। लेकिन जो एग्जामिनर ने हमें दिया था जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट है वो करेक्ट आएगा, अगर क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती सीओ नहीं देखे तो आपका ऑप्शन है वो थर्ड बन जाए, समझ में आ गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।